यह है कि बड़ी तादाद में जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदी और इराक चले गए हैं, दुनिया में जा रहे हैं, और वहाँ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारी सेंडिंग कमेटी को कंप्लेन की है कि पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं वो उनके ऊपर तादाद की कमी लेकर आओ, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके माहौल को डिस्टर्ब करें मांग रहे हैं। उससे एक दिन बाद हम देखते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की एयरलाइन का जहाज जो था वो उड़ान में था, तो वहां पर एयरलाइन के अंदर ही एक बंदे ने खड़े होकर मांगना शुरू कर दिया। तो मतलब इस चीज को मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एयरलाइन के अंदर बंदा खड़े होकर मांगने लग गया। अब हिस्ट्री बोलती है कि पहले क्या था, अब क्या है पाकिस्तान, और अब बैगर्स ने भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बदनाम करने में, क्या राय है इस पे आपकी? अनम, मैं सबसे पहले कहूंगी कि हर एक कास्ट और क्रीड का, हर एक धर्म का अपना अपना एक व्यक्तिगत इम्पोर्टेंस होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुसलमान खराब होते हैं या क्रिश्चियन खराब होते हैं, नहीं। हर एक की अपनी एक आस्था होती है, हर एक का अपना एक विश्वास होता है, और उस विश्वास के साथ वो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन अब बात ये उठती है कि आपने अपने धर्म को किस तरीके से सामने रखा है लोगों के, और वो तरीका आपको खराब बनाने पर और अच्छा बनाने पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब क्योंकि देखिए, जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, जितने भी मुसलमान हैं, मैंने कल भी जब आपके साथ ब्रॉडकास्ट किया था तो भी मैंने कहा था कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली, खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा, मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। आप मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब तो अब एयरलाइंस भी, अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही आराम से, हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे हैं 1500 साल से। मैं फिर से कहूंगी कि अगर कुरान के उन पन्नों को तमाम मुसलमान मर्दों को पढ़ाया जाता कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे पर किया था, तो शायद मुसलमान मर्दों में थोड़ी सी शर्म महसूस होती, थोड़ा सा उनको लगता कि हमें भी खटना चाहिए, हमें भी कमाना चाहिए। देखिए, दीनी तालीम कुरान पाक, अगर हम कुरान पाक पढ़ करके अगर हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने तरक्की याफ्ता जो दुनिया अभी हो चुकी है, इतनी जो डेवलप हो चुकी है दुनिया, उसमें इस चीज की कोई जगह ही नहीं बची है ना, कोई जगह ही नहीं बची है। अब हम कोशिश करेंगे कि नहीं, हम दीनी तालीम लेकर के हम इसरो में काम कर लें, हम दीनी तालीम लेकर के हम लंदन जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, हम दीनी तालीम लेकर के हम अल्लाह और मोहम्मद के अलावा हम आगे ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना बूझेंगे, और हमको लोग इज्जत दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे मौलवी मुल्ला, जब भी मैं उनको उनसे कुछ पूछ लेती हूँ दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो वो एक सवाल मुझसे पूछते हैं, देख लेंगे तुमको मैदान महशर में, नहीं तो तू मैदान महशर का फोटो खींच के लेकर आया है। अब क्योंकि कुरान पाक ये हम लोगों को बताता है कि 1500 साल से जितने भी लोग मरे हैं वो मैदान महशर में ही होंगे, मैदान महशर में होंगे, तो भाई इतनी भीड़ होगी मैदान महशर में, तो जो मौलवी मुल्ला मुझे मैदान महशर का के लिए मुझे डिफेम कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है मैदान महशर का, तो भाई तू वहां का कोई लैंडमार्क दे दे, तू वहां पर का कोई एक वीडियोग्राफी दे दे, तो मैं तुझे ढूंढ लूंगी जा करके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इल्यूजन में बातें की जा रही हैं। अब जैसे खुतबे में आपको 72 हूरे मिलेगी मुसलमान मर्दों को, ये एक इल्यूजन है, और इस इल्यूजन पर जितने भी
भारत के मौलवी मुल्ला है और पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला है, उन्होंने इस इल्यूजन पर युवा पीढ़ी को आज से नहीं 1500 साल से इस इल्यूजन पर बहका बहका करके उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका आने वाला दिन सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अब बात आती है कि मदरसे के बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि भारत चांद पे चला गया तो वो कैसे समझेंगे, क्योंकि मदरसे में तो साइंस पढ़ाई होती ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि साइंस का मतलब क्या होता है। अब अभी मैं आपको सऊदिया में एक न्यूज वायरल हो रही है कि एक 25 साल के बच्चे का गला काट दिया गया शरिया के हिसाब से। ये न्यूज तकरीबन 2 साल पहले की है, क्योंकि उसने अपने ही उम्र के किसी लड़के का कत्ल किया था, तो उसके उसकी सजा में इस्लामिक और दीनी सजा के हिसाब से उसका भी गला काट दिया गया उसकी माँ के सामने। अब मुझे आप एक बात बताएं कि वाकई में अगर ये जितने भी मौलवी मुल्ला हमारे भारत में हैं या आपके पाकिस्तान में हैं, अगर वाकई में ये कुरान पाक के 30 पारे को मानते हैं, वाकई में सुन्नत रसूल को मानते हैं, वाकई में कुरान की लिखी हुई बातों को मानते हैं, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई मुसलमान बलात्कार करता है तो उसको शरिया लॉ के हिसाब से और कुरान के सजा के हिसाब से उसको उसको सजा क्यों नहीं दी जाती है? तब आप कानून पे चले आते हैं, या तो भारत के कानून पे या तो पाकिस्तान के कानून पे चले आते हैं, तो ये चीज तो चलेगी नहीं ना। देखिए, पाकिस्तान की नीति हमेशा से रही है जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ पे चलना है और उसी को लेकर के टिके रहना है। अब मुझे ये बात बताइए, क्या आप लोगों के पास कोई एक ऐसी स्पीच जिन्ना की है जिसमें वो कुरान की तिलावत कर रहा होगा? है आप लोगों के पास? क्या आपके पास ऐसी कोई स्पीच है जिसमें जिन्ना के परिवार वाले कुराने पाक की तिलावत कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं? जिन्ना के परिवार में से निकला हुआ आई थिंक नेस वैद्या वगैरह है, जो अपने आप को बिल्कुल फॉरेनर स्टाइल में रखते हैं, जिनके यहाँ दारू शराब शबाब सारी चीजें चलती हैं, उनके कपड़े लत्ते, उनका पहनावा उड़ावा सारी चीजें फॉरेनर स्टाइल में है। इवन जिन्ना के परिवार के कुछ लोग भारत में रहते हैं, इस बात से भी पूरा पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है। तो जिस जिन्ना को लेकर के पूरा पाकिस्तान मस्जिदों में बम लगा के मस्जिदें फोड़ रहा है, तोड़ रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, जिस जिन्ना के इशारे पर उसके शरिया लॉ पर चर्च को, गिरजा को तोड़ फोड़ रहा है, 9 साल की बच्चियों के को बलात्कार करके एक इस्लामिक नाम निकाह मुत्ता का दे दिया जा रहा है, औरतों को बेआबरू बेइज्जत करने के लिए एक इस्लामिक नाम तलाके एहसन, तलाके हसन, तलाके तलाके तीन तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया जा रहा है, पॉलीगेमी के नाम पर बहुत सारे सेक्स टॉयज रखे जा रहे हैं। तो ये जो जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ पे और कुरान पाक पर किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, पूरी दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि मैं भारत के मुसलमानों से भी कहती हूँ कि भारत में मुसलमान रह सकता था, पर पाकिस्तान बना ना। अब जब पाकिस्तान बन ही गया, अगर बंटवारा हो ही गया, तो फिर मुसलमान भारत में रह ही क्यों रहा है? इनको तो चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमानों को भी यही सारी कुप्रथाएं, यही सारी गंदगी, यही सारी बेहूदगी, यही सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज, यही सारी गुंडागर्दी, यही सारी जिहादी एक्टिविटीज, यही सारी टेररिज्म एक्टिविटीज भारत के भी मुसलमानों को करना होता है। और भारत के मुसलमान के मौलवी मुल्ला भी ऐसे पर्स पकड़ करके निकल जाते हैं रमजान में, क्या करने के लिए? फितरा ले लो, फितरा दे दो बाबा, जकात दे दो बाबा, भीख दे दो बाबा। तो आखिर कब तक ये बोझ ढोएगी पूरी दुनिया? और ऐसा नहीं है कि भाई तुम भीख पर अगर पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है, कोई अचीवमेंट के तौर पर उनको फंडिंग नहीं की गई है, उनको उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, पूरा पाकिस्तान 76 साल से भीख पे पल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही भीख पर। अब ऐसे सिचुएशन पर अगर पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि भैया हम तो तुमको भीख भी दिए इतने साल तक,
लेकिन फिर भी तुम अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं छोड़ते हो, फिर भी तुम अपना सीना चौड़ा करते हो, फिर भी तुम हर वक्त कहते रहते हो इस्लाम खतरे में है, तो भैया निकलो यहाँ से, फुटो। हम जब रोड पर निकलते हैं अनम, अपनी गाड़ी से निकले या वॉक एज अ पेडेस्ट्रियन निकले चलते हुए, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अगर कोई बेगर आता है, कोई मांगने वाला आता है, हम उसको बिल्कुल देते हैं, चाहे 10 ही रुपए निकाल करके, चाहे 20 ही रुपए निकाल करके, लेकिन हम देते हैं। पर अगर कोई बेगर, अगर हम निकले हैं और 500 बेगर कहे कि नहीं हमको देना ही पड़ेगा, अगर आप हमको नहीं दीजिएगा तो हम छाती कूटेंगे कि मेरा बेकारीपना खतरे में आ गया है, तब आदमी एडमेंट हो जाता है, तब आदमी ये चीज सोच लेता है कि ना 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 ना, ये मजबूर नहीं है, इसका ये तरीका है अपने जान को बचा करके, अपने अपना गुस्सा और तेवर दिखा करके, अपनी बात मनवा करके हम हमारे पॉकेट से पैसा निकलवाने का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मैम। हम देखते हैं कि 1948 में, 1947 की बात करें तो पाकिस्तान आजाद हुआ, 1948 में पाकिस्तान के पहले डेलीगेशन जब अमेरिका गए तो अमेरिकन गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो पार्टीशन में सारी चीजें, सारा सामान जो है वो हिंदुस्तान में रह गया। अब हिंदुस्तान एक बड़ी सना है और जो हिंदुस्तान है वो अब इतना मतलब हमसे बड़ा है कि हम उनसे कुछ लेना भी चाहें तो ले नहीं पा रहे, तो हमारी जो है हेल्प कीजिए। पहले डेलीगेशन था, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा था कि हमारी मदद कीजिए, तो वहां पर अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकार किया था, लेकिन उस पर भी जो हमारा डेलीगेशन था उन्होंने बड़ी ज्यादा एक मतलब एक होता है ना कि रित लगा दी कि भाई हमें हेल्प कीजिए कीजिए कीजिए। दूसरी जानब हम देखते हैं कि अभी अभी 1948 के हालात थे, अब हमारे 2023 में हम देखते हैं कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने एक बात कही कि जब मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का कॉल करता हूँ किसी मुल्क में तो वह मेरे फोन नहीं उठाते, उनको लगता है कि शायद मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं जाता हूँ तो किसी मुल्क के अंदर तो वो मुझसे मिलते नहीं है कि मतलब मैं मिलूं तो ये ना हो हमसे पैसे मांगने आ जाए कोई भी, चाहे सऊदीया हो, अमेरिका हो, टर्की हो या कोई भी मुल्क हो। तो एक 1947 के हालात और एक 2023 के हालात दोनों के सेम लग रहे हैं, तब भी वो मदद मांग रहे थे और आज भी वो मदद मांग रहे हैं, तब की डेलीगेशन भी मदद मांग रही थी, आज की गवर्नमेंट भी मदद मांग रही है, तो हालात में चेंजिंग कहां से, 76 सालों में बदलाव कहाँ पे आया। फिर इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम कौम, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हमारे भारत की हो, जब तक इन मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा और बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके करियर फ्यूचर, उनके प्रोफेशनल डिग्रीज पर उनको रुजू नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो माहौल है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है कि मैं आपको दो उदाहरण दे देती हूँ। पहला उदाहरण मैं आपको दूंगी कि अभी हालिया में आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है कक्कर साहब, वो यूएन गए और उसके बाद फिर लंदन गए। उन्होंने 20 से 22 करोड़ रुपए अपनी पूरी टोली और केमा के साथ वहां पर फूंक करके वो चले आए, और उसके बाद आप अपनी अय्याशियों में 15 और 20 करोड़ रुपए आराम से फूंक रहे हैं, आप अपना तेवर दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हमको कोई भीख नहीं दे रहा है। अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे देती हूँ। इन्हें तो मैम इलेक्शन के लिए भेजा गया है ना, तो इलेक्शन करवाना इनका काम था, ये लंदन जाके वहां अपनी फैमिली को पेरिस लेके जाना ये तो इनका काम नहीं था, इनका काम तो इलेक्शन करवाना था ना, घूमना फिरना इनका काम थोड़ी था। तो अब ये देखिए एक गवर्नमेंट जिसको इलेक्टेड से किया गया कि इलेक्शन करवाए जाए, वो भी अब सिंसियर पाकिस्तान नहीं नजर आ रही। अब मैं दूसरी आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ कि ईद के वक्त में, यही 2023 की मैं बात कह रही हूँ कि ईद के वक्त में मेरे चैम्बर से बहुत सारा पैसा रमजान के बाद निकलता है, तो उसमें कई मुस्लिम लड़कियों की शादी में खड़े होकर के करवा देती हूँ। ठीक है, अब उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं आप हमारी शादी में आइएगा, 10 मिनट के लिए भी आइएगा पर आइएगा, प्रोफाइल है तो लोग बुलाना ही चाहते हैं, और मुझे भी लगा कि ठीक है बड़े लोगों की शादी में तो मैं जाती ही हूँ, लेकिन अगर इनकी शादी में जाऊंगी तो इनका भी मन अच्छा होगा। जब मैं गई हूँ उस शादी में तो मैंने देखा है कि वीडियोग्राफी हो रही है, दारू चल रहा है,
वहां पर पूरी अय्याशियां हो रही हैं, नाच गाना हो रहा है। और वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी को जकात और फितरा देना भी बंद कर दिया। ये मैं ऐलानिया आपके ब्रॉडकास्ट में मैं बोल रही और मैंने वाकई में बंद कर दिया, क्योंकि 2023 में उस वक्त उस लम्हे में मुझे समझ में आ गया कि ये भीख मांग करके अय्याशी पेलते हैं। दूसरी चीज है कि एक मुसलमान लड़का है वेस्ट बंगाल में, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, उसने मेरे से कुछ पैसे मांगे। मैंने कहा ठीक है चलो, गरीब लड़का है, अपनी पढ़ाई के लिए मांग रहा है, मैंने दे दिए। उसका कहना था कि वो एक साल के बाद मुझे ये पैसा रिटर्न कर देगा। अब जब मैं उससे अपना पैसा मांगती हूँ तो मेरी माँ को भी गाली देता है, मुझे भी गाली देता है और कहता है मेरे वकील से बात कर ले, साली मेरे वकील से बात कर ले। तो दिस इज द रियल फेस ऑफ मुस्लिम्स, यही है असली चेहरा मुसलमानों का। आप उन पर दया करेंगे वो आपको गालियां देंगे, आप उनको पैसे से मदद करेंगे वो आपका कत्ल करेंगे, आप उसके ऊपर मेहरबानी करेंगे वो आपकी माँ बहन को कुत्तों के साथ जोड़ेंगे। आप मुसलमान कौम को आप जैसे भी करके मदद करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो आपको जिहाद के नाम पर आपका गला काट देंगे। आप जैसे उनके उनके सामने मुसलमान कौम के सामने शिक्षा की बात करेंगी वो वैसे ही आपको कह देगा कि आप हमारा है, आप बच्चा बने क्योंकि आपने शिक्षा की बात की है। तो ऐसे सिचुएशन में अब मुसलमानों से मुंह फेर लेना, उनको साइड कर देना ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 76 साल से भारत भी इस चीज से जूझ रहा है। भारत को भी अब समझ में आ चुका है कि ये एक ऐसी कौम है जिसको हम कितनी भी फैसिलिटीज दे दे, जिसके लिए हम जितना भी हम मेहरबानी कर दे, हम जितना भी इसको सपोर्ट कर दे, बदले में मुसलमान कौम के मुंह से गाली गलौज जिहाद मर्डर खून फितना और यही सारी चीजें इनके इनके जुबान से और इनकी हरकतों से निकलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका इस्लाम इनको यही सिखाया है। क्या पूरे 30 पारे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी ये जिक्र किया है कि मैं मेहरबान हूं खतीजा का कि उसकी वजह से मैंने इस्लाम का प्रचार किया? नहीं कहा ना, नहीं कहा ना। तो जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद के सुन्नत पर चल रहे हैं वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि भारत मुसलमानों को बहुत अच्छे से रख रहा है, या सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को बहुत बहुत चंदा दिया, बहुत फितरा दिया, बहुत जकात दिया, अमेरिका और इंडोनेशिया और पेरिस ने भी बहुत जकात दिया, बहुत चंदा दिया, बहुत मदद किया। पाकिस्तान का एक वक्त था कि पाकिस्तान को ही मुस्लिम ममालिक फंडिंग किया करता था, पर आपके मुंह से, मुसलमान के मुंह से, मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बोलूंगी, भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमानों से, क्योंकि ये दोनों एक ही जिन्ना का शरिया लॉ पढ़ते हैं, तो ये दोनों कभी भी एहसान के बदले में सर नहीं झुकाएंगे या तारीफ नहीं करेंगे। एहसान के बदले में मुसलमान कौम की फितरत होती है कि बदले में वो गाली देते हैं, बदले में वो जिहाद के नाम पर गला काटते हैं, बदले में वो मंदिरें तोड़ते हैं, बदले में वो पढ़ी लिखी लड़कियों को आवारा बोलते हैं। तो इसलिए 2023 के मार्च से मैंने कान पकड़ करके मुंह में थप्पड़ मारा था कि मैं अब मुसलमानों को 10 रुपए से भी मदद नहीं करूंगी। और मेरे पास इसका प्रूफ है, जो लड़का मुझे गालियां दे रहा था, मैं मेरा पैसा रिटर्न मांग रही थी, मैंने पढ़ने के लिए दिया था, वो मेरी माँ को गाली दिया है, मुझे गाली दिया और मुझे बजाते लिख कर दिया है कि मेरे वकील से बात कर ले साली। मैम, इस चीज की हमें रियलिटी फेस यहाँ से नजर आता है कि जब हम सऊदीया जाते हैं, एक पाक मुकद्दस जगह पर, वहां पर वो भिखारी लोग जो हैं वो किस तरह से मांगते हैं, वहां तरीका बदल जाता है। लेकिन भिखारियों की ये है कि वहां मुस्लिम ही जाते हैं, ऑब्वियसली अब कोई और तो जाने से रहा, मुस्लिम जाएगा, मुस्लिम वहां पे मांगेगा। और किस तरह से मांगते हैं, जब सऊदी अरेबिया के अंदर कोई बैठा होता है तो दूसरे बंदे को कहा जाता है कि मेरी जेब काटी गई, मेरे पास अभी कुछ है नहीं खाने को, मतलब इस तरह के तरीके स्टंट्स अपनाते हैं। तो वहां पर ये नहीं कहते कि अल्लाह के नाम पे दे दे, भाई अल्लाह की जगह पे तुम लोग मुकद्दस जगह पे खड़े हो, अब ये तो कहने से नहीं कि अल्लाह के नाम पर दे दे, वो इस तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे अगला बंदा कायल होके हमें कुछ ना कुछ दे दे। अब दूसरी जाने हम हिंदुस्तान में देखते हैं ना,
मुसलमान से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन झूठ कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, किसी से नहीं बोला जाएगा। मुस्लिम एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको आपको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके आपको ही इतना मलाइन करेगा, इतना डिफेम करेगा कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि भाई मैंने तो इसकी मदद की थी, फिर मैं गालियां क्यों सुन रही हूँ। आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए देखिए, ये सिनेरियो की वजह से, इन सिचुएशन की वजह से आज आपके पाकिस्तान को सबने थूक दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम ममालिक ने, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो तुर्की हो, हर किसी को ये, हर किसी ने अपनी अपना एक इग्नोरेंस बिहेवियर पाकिस्तान के प्रति तो दिखा ही दिया है। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि मुसलमानों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करना ये सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी इज जस्ट लाइक के कुत्ते के दुम, के 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। तो इनको पढ़ना है नहीं, इनको भीख मांग करके ही पूरा जीवन चलाना है, चाहे वो इस्लामिक पूरा देश ही पाकिस्तान क्यों ना हो, या भारत में 14% मुसलमान क्यों ना हो। इनको इनके दिल में, दिमाग में, इनके ब्लड में, इनके इनके सारी चीजों में ये चीज भरा हुआ है कि हमको सामने वाले को बेवकूफ बनाना है और फिर हमको उसी को गाली देना है। तो इट्स बेटर कि इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, बट मैं ये यहाँ पे कहूंगी 5 fingers are not equal, क्योंकि कल ही एक न्यूज आई थी हिंदुस्तान के चैनल पे, मीडिया पे, कि जो ताइवान है वहां पर आपको पता है कि स्किल लेबर नहीं है और लेबर नहीं है वहां पे, बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को कहा कि इंडिया जो है वो अपनी स्किल्ड लेबर जो है वो ताइवान भेजे। अब इंडिया के जो लोग होंगे ताइवान जाके काम करेंगे ताइवान की, लेकिन उसमें ये चीज, लेकिन ये चीज नहीं बताई गई कि वो सिर्फ हिंदू करेंगे, मतलब सिर्फ इंडियन लेबर्स की बात की गई, उसमें मुस्लिम भी तो होंगे। तो मतलब ये है कि अगर आप एजुकेशन लेते हो तो मुझे लगता है कि आप एजुकेशन के बेस पे कुछ भी कर सकते हो। देखिए मैं फिर कहूँ कि भारत और ये पूरी दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान को, अल्लामा इकबाल जैसे मुसलमान को, नादिया इलाही खान जैसे मुसलमान को, हमारे वीरगति जो प्राप्त किए, मुजम्मिल जैसे मुसलमान को सल्यूट करती है। भाई मुझे मैंने बोला भारत की बेटी हूँ मैं, नहीं, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी पॉजिटिविटी, लिबरल होना, मेरा एडुकेशन।